Welcome back, student. How are you today? Today we are going to start very new chapter which is known as morphology of angiosperming plant. अभी तक हमने animal kingdom के बारे में study करी. Now today we are going to start officially a chapter which is related with the plant angiosperming plant. Modern जो plants हैं जिसमें flowering part पाए जाते हैं अब हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम उसके रूट शूट लीफ फ्लावर और फ्रूट की स्टडी करेंगे. ओके सो बी रेडी फॉर दैट. हेडिंग डाल दीजिए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. So the branch of science which deals with the study of external form of plant like structure and various modification of plants is known as plant morphology. Science की वो branch जिसमें हम plants के external appearance के बारे में discussion करते हैं, उसकी study करते हैं, various modification के बारे में study करते हैं, उसी को हम plant morphology कहते हैं. तो heading में लिख लीजिए the branch branch of science which deals with the study of external appearance and modification of plant is known as plant parts is known as morphology. इसी को हम plant morphology कहते हैं. Body of a common angiosperming plant can be differentiated into the underground part जिसको हम root system कहते हैं, aerial part जिसको हम shoot system कहते हैं. So basically अगर देखा जाए तो हम plant को दो हिस्सों में divide कर सकते हैं. Inside the soil root system, outside the soil shoot system. Shoot system includes the stem, branches, leaves and flowers. जो shoot system पाया जाता है यानी aerial part में जो structure पाया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें पाया जाता है stems, branches, leaves and flowers. So the plant can be divided into two parts. First, underground and aerial part. Underground part को हम कहते हैं root system और इसे शूट सिस्टम कहते हैं. रूट सिस्टम इज फाउंड इनसाइड द सॉइल. ठीक है, यहां पर रूट का अरेंजमेंट देखने को मिलता है. नाउ शूट सिस्टम में क्या पाया जाता है, द शूट सिस्टम इंक्लूड्स
स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। तो एरियल पार्ट में आपको ये चार चीजें दिखाई पड़ती है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स, राइट। रूट सिस्टम है, आपको अरेंजमेंट ऑफ रूट दिखाई पड़ता है, और ये रूट भी तीन तरीके की होती है, अरेंजमेंट ऑफ रूट। ऑफ रूट तो इन दिस वे वी कैन डिवाइड द प्लांट इनटू द टू मेन पार्ट्स। अभी हम डायग्राम बनाते हैं प्लांट का, जिसमें आपको टिपिकली जो रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है वो अपीयर होगा, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ड्रा अ डायग्राम व्हिच इज रिलेटेड विद द रूट एंड शूट सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। नाउ लुक एट दिस, दिस पोर्शन व्हिच इज फाउंड इनसाइड द सॉइल इज कंसीडर्ड एज रूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंड दोज व्हिच इज फाउंड in the aerial part is known as shoot system. Shoot system. Okay. Now look at the aerial part as well as the lower part. जो रूट है उसको भी हम बाइफर्केट कर सकते हैं। रूट का जो ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं प्राइमरी रूट, ओके। एंड प्राइमरी रूट फर्दर कन्वर्टेड और डिवाइडेड इनटू द सेकेंडरी रूट इन दिस वे, दिस इज नोन एज, जस्ट अ मोमेंट, प्राइमरी रूट, और इसको हम सेकेंडरी रूट कह सकते हैं, सेकेंडरी रूट, ओके। नाउ लुक एट द एरियल पार्ट। एरियल पार्ट में आपको मैं दिखाता हूं, इसको हम कहते हैं बड। ये लीफ है, दिस इज अ लीफ, ये बड पार्ट है, बड। ऑलराइट, और इसके ऊपर ये फ्लावरिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे फ्लावर्स कहेंगे, फ्लावर। एंड दिस इज फ्रूट, फ्रूटिंग बॉडी। एंड अपर पोर्शन ये देखिए फ्रूट, फ्लावर्स, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लीफ सक्सेसिव, जो लीव्स पाए जा रहे हैं यहाँ पर आपको गैपिंग दिखाई दे रही है, तो हर नोड से एक लीफ निकल रही है, इसको हम कहते हैं नोड। एंड द गैपिंग बिटवीन द टू नोड्स,
दिस एंड दैट, ये नोड है और ये भी नोड है, तो इनके बीच की जो गैपिंग है इसको हम कहते हैं इंटरनोड, इंटर नोड। तो कीप इन माइंड द स्टेम्स हैव अ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम फैक्टर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटर नोड। नोड नोड द स्पेस बिटवीन टू नोड इज नोन एज इंटर नोड। नोड और इंटर नोड का पाया जाना ये करेक्टरिस्टिक फीचर है स्टेम का, और ये स्टेम कहीं भी पाया जाए, एरियल पार्ट में, अंडरग्राउंड, इनसाइड द वाटर, बट दे मस्ट हैव नोड्स एंड इंटर नोड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द रूट स्टेम एंड लीव्स रिप्रेजेंट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हेडिंग डाल दीजिए वेजिटेटिव पार्ट। तो ये तीनों चीज़ें, चाहे वो रूट हो, सूट हो, लीव्स हो, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं। इट कंसीडर रूट, शूट एंड लीव्स आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन सी कि दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन, जिसको हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि जो फ्लावरिंग पार्ट है उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इज कंसीडर्ड एज अ फ्लावर, ओके, फ्लावर्स आर कंसिडर्ड एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट या हैबिट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहाँ पर पाए जाते हैं, उनके क्या हैबिट्स पाए जाती है। सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट, ओके, ये तीन टाइप के पाए जाते हैं। अभी हेडिंग डाल दीजिए हैबिट। एज पर द हैबिट इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, वन बाय वन लिखते हैं। फर्स्ट है हर्ब्स, सेकेंड आता है शर्ब्स, एंड थर्ड आता है ट्रीज। हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। जो हर्ब्स है वो तीन तरीके के होते हैं। कुछ हर्ब्स ऐसे हैं जो एनुअल होते हैं, जैसे पी है, वीट है एंड मस्टर्ड है, इसको हम एनुअल हर्ब्स कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बाइनियल होते हैं, यानी साल में दो बार, और कुछ ऐसे होते हैं जो पेरिनियल है, यानी लगातार होते रहते हैं। एनुअल्स वंस इन ए ईयर, ठीक है, बाइनियल टू ईयर्स इनकी लाइफ साइकिल होती है, पेरिनियल्स यानी कंटिन्यूस मोर देन टू ईयर्स, ओके। तो एनुअल हर्ब्स में आते हैं पी, वीट, मस्टर्ड, यानी इनका रोटेशनल क्रॉप में भी नाम आता है, ठीक है, सर्दियों की फसल, गर्मियों की फसल, ये सभी एनुअल हर्ब्स में आ जाते हैं। बाइनियल्स में आपको रेडिस, टर्निप्स, ये सब देखने को मिलता है, यानी एक साल वो डेवलप होने में निकलता है और अगले साल वो मेच्योर हो जाता है, तो दो ईयर कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बाइनियल कहते हैं। पेरिनियल्स हर्ब्स वो होते जो लगातार कई सालों तक ज़मीन में रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, जैसे टर्मरिक है, म्यूसा प्यूडिका है, जिसको हम बनाना कहते हैं। तो इस हिसाब से इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एनुअल,
इसका लाइफ स्पैन एनिमल का 1 ईयर होता है, इसका 2 ईयर, इसका मोर देन 2 ईयर। ठीक है, इसको पेरिनियल कहते हैं। एनिमल का एग्जांपल पी, वीट, मस्टर्ड एटसेट्रा। पी, वीट, ओके। बाइनियल का एग्जांपल रेडिस, टर्निप एटसेट्रा। रेडिस, टर्निप, ओके। एंड पेरिनियल का एग्जांपल जैसे कि टर्मरिक है, जैसे हल्दी कहते हैं, म्यूसा प्यूडिका। जिसको हम बनाना कहते हैं। ओके, नाउ लुक एट द सर्व्स। सर्व्स में क्या आते हैं? सर्व्स आर द पेरिनियल और इनकी साइज मीडियम होती है, हर्ब्स की साइज स्मॉल होती है, यानी सर्व्स से छोटे पाए जाते हैं। इट इज अ पेरिनियल मीडियम साइज प्लांट विथ अ हार्ड वुडी स्टेम। यहाँ पर जो स्टेम होते हैं वो हार्ड और वुडी होते हैं। हर्ब्स में आपको कभी भी वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलता, दैट इज द डिफरेंस। इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए शर्ब की, मीडियम साइज, पेरिनियल, हार्ड एंड वुडी स्टेम, दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सर्व्स। इसके एग्जाम्पल देखिए रोज, हिना एटसेट्रा। रोज, हिना एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ट्रीज। ट्रीज, एज यू नो द ट्रीज आर पेरिनियल टॉल प्लांट्स। जो ट्रीज होते हैं ये बिग साइज के होते हैं, कई सालों तक रहते हैं, मोर देन 100, 200, even 300, 400, 500 तक सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे बनियान है, उसकी एज मोर देन 500 पाई जाती है। सो दे आर पेरिनियल टॉल एंड हार्ड, दे हैव अ वुडी स्टेम्स, जैसे सराका इंडिका, मैंजी फेरेंडिका, बनियान ट्री, लाइक दैट। ट्रीज आर टॉल। नेक्स्ट पेरिनियल। दे हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो सराका इंडिका, इंडिका, मैंजी फेरा इंडिका, फीकस बेंगालेंसिस, दीज आर सर्टेन नेम्स विच इज फाउंड इन इंडिया, जो कि कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हैबिट कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए रूट। रूट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप ये देख सकिए, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, जमीन के अंदर जाता है, एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक पार्ट होता है इन द नॉर्मल कंडीशन। कभी भी रूट आपको आउटसाइड नहीं दिखता, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप डाल सकते हैं द रूट इज नॉन क्लोरोफिलस, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। ओके,
हेडिंग डाल दीजिए रूट। रूट के तीन फीचर, दो फीचर आपको यहां से क्लियर दिखाई पड़ते हैं। ये डाउनवर्ड मूव करता है यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और वाटर अगर यहां पर अवेलेबल है तो रूट्स ऑटोमेटिक वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो दो कैटेगरी आपको यहीं समझ में आ गई। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए, रूट इज क्लोरोफिल, तो कभी पाए नहीं जाते, रूट इज नॉन क्लोरोफिलस पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रूट। ओके, ये कभी भी फोटोट्रॉपिक यानी सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं आते, ऑलवेज निगेटिव। दे आर पॉजिटिव जियो एंड हाइड्रोट्रॉपिक एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्लोरोफिल। सो दीज आर सर्टेन कॉमन फीचर ऑफ द रूट। नाउ हेडिंग डाल दीजिए द मेन कैरेक्टर ऑफ रूट्स। मेन कैरेक्टर ऑफ रूट, रूट के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, द रूट यूजली डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। जो रूट्स पाए जाते हैं वो एक्चुअली रेडिकल से डेवलप होते हैं। ये रेडिकल क्या होता है? सीड का एक पार्ट है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो रेडिकल पार्ट होता है वो आगे चलकर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? रूट्स में दूसरी खास बात ये है कि दे डोंट हैव एनी नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट में आपको नोड और इंटरनोड देखने को नहीं मिलते। जो रूट्स होते हैं वो अपनी सरफेस पर यूनिसेलुलर रूट ग्रो करता है, यानी दे पजेस यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, ओके, इनके सरफेस पर यूनिसेलर पाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, द लेटरल रूट्स अराइजेस एंडोजीनसली फ्रॉम द पेरिसाइकिल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लेटरल रूट्स होते हैं वो इंडोजीनसली यानी इंटरनली डिवाइड होते हैं और अराइज होकर कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? लैटरल रूट में। और ये डेवलप कहाँ से होते हैं? पेरिसाइकल, लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट, द लैटरल रूट्स अराइजेस एंडोजिनसली फ्रॉम पेरिसाइकल। ये सभी जो सेकेंडरी हैं वो पेरिसाइकल से डेवलप होकर आते हैं। द रूट डू नॉट बियर बर्ड्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, रूट्स में कोई भी बर्ड्स नहीं पाए जाते, ठीक है? रूट्स में किसी भी प्रकार के बर्ड्स नहीं पाए जाते, कोई भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए बर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, जैसे स्वीट पोटैटो में और इंडियन रोज वुड में, यहाँ पर बर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो लिख लीजिए, रूट टू नॉट पजेस बर्ड्स। ओके,
रूट डू नॉट पजेस बर्ड्स या डू नॉट बियर बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स नहीं पाए जाते। इसका एक इसका एक्सेप्शन लिख लो, किसमें पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन स्वीट पोटैटो। दूसरा इसका एक्सेप्शन है इंडियन रोज वुड, इंडियन रोज वुड। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनमें रूट में बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ओके।